दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में ऐसे कई देवी देवताओं के मंदिर हैं जिन्हें हम अक्सर पूजते हैं। जी हाँ, जिन्हें हम दर्शन के लिए जब भी जाते हैं तो दर्शन करते ही हमारा मन बेहद खुश हो जाता है। दर्शन के लिए ऐसे कई मंदिर हैं जो कि पूरे देश भर में मौजूद हैं, जिनकी अपनी अपनी कोई ना कोई खासियत है। इन मंदिरों के अंदर भगवान की अच्छी खासी भीड़ भी लगी रहती है, जहां पर भक्त लंबी कतार में लगकर अपने काम से फुर्सत निकाल कर भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं कि उनकी मुरादें जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ऐसे ही एक और खास मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर मत्था टेकने भर से आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। जी हाँ, ऐसा ही मशहूर है दुनिया में एक और मंदिर, और ये मंदिर है माता कूसमांडा का। तो चलिए, आज की रिपोर्ट में हम आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल और मैं हूँ आपके साथ प्रांशी राठौर। तो चलिए बताते हैं आपको इस खास मंदिर के बारे में। जी हाँ, दरअसल आज हम जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, ये मंदिर है माता कूसमांडा का मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के सागर कानपुर के बीच घाटमपुर में स्थित है। इस मंदिर के अंदर माता कूसमांडा की लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है। यहाँ पर माँ कूसमांडा के पिंड स्वरूप से लगातार पानी रिसता रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस मंदिर का सेवन करता है, उसके कई तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। कि हम धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं, और जब इस पूरे संसार का अस्तित्व नहीं था, तब माता कूसमांडा ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी, और यही वजह है कि इनको सृष्टि के आदि स्वरूप आदि शक्ति माना गया है। माँ कूसमांडा के इस मंदिर के बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि ये मंदिर मराठा शैली से बनाया हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ स्थापित हैं, वह 2वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य के बीच की हैं। एक पौराणिक कहानी के अनुसार, एक बार कुढ़ा नामक ग्वाला की गाय अपना दूध झाड़ी में गिरा दिया करती थी। गाय द्वारा ये कार्य रोजाना किया जाता था। कुढ़ा ने गाय द्वारा गिराए जाने वाले दूध को देखा और उसने एक दिन वहाँ पर खुदाई की तो उसको वहाँ पर एक मूर्ति नजर आई थी। उसने खुदाई इतनी गहरी की कि उसमें माता की मूर्ति नजर आ गई, परंतु इस मूर्ति का अंत उसको नहीं मिल पाया था। तब उसने इसी स्थान पर एक निर्माण किया, साल 1890 में चंदीदीन भुर्जी ने करवाया था। यहाँ पर जो अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है, वह 1988 से जल रही है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर माँ कूसमांडा की एक पिंडी के स्वरूप में लेटी हुई प्रतिमा है, जिससे लगातार पानी रिसता रहता है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को जानने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनको इसका पता लगाने में नाकामयाबी हासिल हुई। उनको इस बात का अभी तक नहीं पता चल पाया है कि माँ कूसमांडा की पिंडी स्वरूप में लेटी हुई प्रतिमा से पानी आखिरकार कहाँ से निकलता है। वहीं ऐसा भी बताया जाता है कि सूर्योदय से पहले स्नान करके 6 महीने तक जो भी इस जल का इस्तेमाल करता है, उसकी हर बीमारी नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, माँ कूसमांडा के इस मंदिर के परिसर में 2 तालाब मौजूद हैं जो अभी तक सूखे नहीं हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, परंतु ये तालाब हमेशा पानी से ही भरे रहते हैं। जो यहाँ पर माता के दर्शन के लिए भक्त आते हैं, वह इस तालाब में नहाने के पश्चात दूसरे तालाब से जल लेकर माता को चढ़ाते हैं। जो भी भक्त अपने सच्चे मन से माता के दरबार में मत्था टेकता है, माता रानी की उनकी मुराद जरूर पूरी करती हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे माता रानी हर शख्स की मुराद पूरा करती हैं। ये मंदिर बहुत ही खास है। यदि आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द माता के द्वार पहुंच जाइए। माता रानी आपकी हर मुराद को पूरा करेंगी। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही तमाम रहस्यमयी बातें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से प्रांशु की रिपोर्ट।